अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे यार तुम रेस कंपटीशन की तैयारी मेरी गाड़ी में कर रहे हो क्या? अरे यार सर मैं माइकल शूमाकर का बहुत बड़ा फैन हूँ, आप टेंशन मत लो, आप बैठ जाओ भी। दिख रहा है। अरे थोड़ा ध्यान से चला, तू इतना तेज तेज चला रहा है और ऊपर से बात भी कर रहा है। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। रुक जाओ ना, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? शशि जी को ढूंढना है कि नहीं ढूंढना है? ढूंढना है। हाँ तो रुक जाओ ना, भरोसा करो यार। ये किसका कॉल है? अननोन नंबर, क्लाइंट होगा। निधि मैडम, इस पार्सल का क्या करना है? बहुत परेशान कर रही है। परेशान कर रही है? मेरा फोन दो। मेरे फोन के साथ क्या कर रहे हो तुम? हाँ क्यों लिया मेरा फोन? तुम्हारे हाथ में मेरा फोन कैसे? उन्नो, लगता है फोन किसी लड़के ने उठा लिया। आप ये आपके, ये लो अपना फोन। हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? हाँ तुमने जानबूझ के फोन एक्सचेंज किया ना, सच सच बताना। मैं जानबूझ के ये क्यों करूँ? मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई सेल्फिश रीजन होगा इसके पीछे, डेफिनेटली। वार्निंग दे रही, आज के बाद मेरे फोन को हाथ मत लगाना, समझे? तुझे क्या लगता है ऐसे हरकतों से तू बच जाएगी? ये लड़की, चल भाग भाग बंद कर, बैठ जा चुपचाप। नहीं बैठूंगी। अरे तुम दोनों से एक लड़की नहीं संभाली जा रही, इसका फड़फड़ाना भी बंद कर दो। अब मारो इसके पैर पे गोली। नहीं 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 नहीं, गोली मत मारो, गोली मत मारो। चुप, बैठ चुपचाप, चुपचाप बैठ, बैठ नीचे। एक मिनट गाड़ी रुकना, ये वेयर हाउस भी बहुत दिनों से बंद पड़ा है, एक बार यहाँ चेक कर सकते हैं। हाँ, चलो। पर यहाँ पर तो कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा है, कौन हो सकता है यहाँ पर? एक तो कुछ बोल मत, देख यहाँ कितना सन्नाटा है, जो कुछ भी बोलेगा वो गूंजेगा, और अगर कोई यहाँ है ना वो पहले ही अलर्ट हो जाएगा। पर प्रीता जी, मुझे तो यहाँ पर कोई होप नजर नहीं आ रही। यार बंदूक कहाँ गई? अरे पकड़ उसे, बाहर मत जाने दे। शौर्य, शौर्य, शौर्य कहाँ चला गया? Let me just call him. Shania, मैं ही फोन कर रही थी। Of course. Thank God तुम आ गई, पता है? जब से तुम्हें ढूंढ रहा था। All set? Yeah, thank God, तुम आ गए। तो क्या हुआ? बड़े खुश नजर आ रहे हो। मैंने शौर्य और शनाया की बात सुन ली है, और शौर्य शनाया से कह रहा था कि अगर उन दोनों को शादी करनी है तो सबसे पहले बड़ी माँ से बात करनी होगी। इन पे नजर रखती हूँ, इनकी बातें सुनती हूँ। ये आजकल के बच्चे भी ना बताते तो कुछ है नहीं कि इनके दिल में क्या चल रहा है, अब बड़ों को ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे ऐसे देखते ही तुम्हारे फेस पर ना ऐसे ब्रॉड सी स्माइल आ गई। शनाया वो क्या है ना, तुम्हें देखते ही ना मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ, एक एक्साइटमेंट हो जाती है। तुम ना बहुत अच्छी वाइब हो, इसलिए मेरे साथ मैं खुश हो जाता हूँ तुम्हें देख के। बट राइट नाउ मुद्दे की बात कुछ और है। तुम बड़ी मॉम से मिलने आई थी, याद है?
मैंने तुमको बोला था कि तुम्हें कुछ बोलना है, तो you're set, right? Yeah. हाँ हाँ, मुझे पता है तुम चाहते हो कि मैं जल्दी से जाके बड़ी मॉम से मिलूं और उनसे वो सब कहूँ जो तुमने मुझे कहा है उनसे कहने के लिए, उन्हें जाकर मनाऊं और ताकि जल्दी से बात बन जाए, है ना? Exactly. Oh my God, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है, भाभी को मनाने की बात. अरे बच्चों, वो तो पहले से मनी मनाई है. इनफैक्ट सबसे ज्यादा खुश तो वही है. Yes, exactly. मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम जाओ और बड़ी मॉम से मिलो और उन्हें वो सब कहो जो मैंने तुमको कहा है. क्या है ना, मैं उन्हें बोल सकता हूँ बट वो मुझे सीरियसली नहीं लेंगी शनाया. मैं उन्हें कल कुछ और बोल रहा था, आज कुछ और बोलूंगा, वो मेरी बात को टाल देंगी. और वो ना तुम्हें बहुत लाइक करती हैं, तुम उन्हें बहुत अच्छी लगती हो. तुम बोलोगी तो तुम्हारी बात को सीरियस लेंगे और मुझे जो कहना है वो तुम कहोगी हम दोनों के लिए. ऑलराइट? या, और तुमने ये सही कहा शौर्य. ऐसे बड़ी मॉम मुझे प्यार तो बहुत करती हैं, बहुत पसंद करती हैं, राइट? और अगर मैं उन्हें मनाऊंगी तो वो यूं मान जाएंगी, है ना? तो इसी बात पे रिटर्न गिफ्ट तो बनता है ना, आई मीन एक हक तो बनता है ना. श्योर. वैसे ये आज हो तो गया बट I'm really not comfortable with hugs and also next time avoid करते, okay? Yeah, right, शौर्य. वैसे मैं भी बिल्कुल भी comfortable नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है जाके family को मनाना, you know? नीचे जाऊँगी अभी और बड़ी माँ को जाके इस रिश्ते के लिए मना कर दूँगी. मुझे भी ये करना बिल्कुल पसंद नहीं है. I mean, I really love you. मैं बहुत चाहती हूँ तुमको. And I really, really, really want you to be with me, like, forever. I know it must be difficult, but thank you. Thank you, Shanaya. I have to go now. मैं मिलता हूँ तुम्हें, okay? बात कर लेना बड़ी मॉम से and call me after you run. Bye. मुझे तो पता था कि करीना आंटी ना हमारी बातें सुन रही थी, इसीलिए मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया. और अब ना मैं नीचे जाके इस रिश्ते के लिए मना कर दूंगी. बट राखी आंटी विद फैमिली खुद जाके शौर्य को फोर्स करेंगी कि भाई तुम्हें तो शनाया से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि शौर्य मुझसे प्यार तो करता है बस शादी नहीं करना चाहता, डरता है शादी करने से. और फिर भाई पूरी फैमिली का वही पुराना राग, शौर्य शादी कर लो, शादी करना अच्छी बात होती है और आज नहीं तो कल तो शादी करनी पड़ेगी ना, जरूरी है. शौर्य, ये जो सिनेरियो तुमने बनाया है ना, आई प्रॉमिस इसकी पिक्चर तो यही बनेगी. Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री.